आवाज घट होती है कि यंत्रा की आवाज उच्ची होती है, पर इतने एक नवी चीज देखी है, यंत्रा की आवाज छोटी है, थोड़ी आवाज उच्ची है। बहुत ही काबिले तरीन ताड़ी बजाओ इन्होंने जिन्हें अज इस रौनक को होर बढ़ा रहे हैं। बेनती करूँगा गुरु महाराज के चरणों के बीच कोई ना कोई प्रस्तुति अवश्य मिली। सुनते हैं आते माराम की लाखों अमर कहानियां, सुनते हैं आते माराम की लाखों अमर कहानियां, भूल नहीं सकते कभी गुरुवर की Oh, yeah.
जग को जगा के सो गए समर्पण अहोभाव प्रकट करना और कभी भी ऐसा कोई भी आयोजन होता है तो सबसे पहले गुरुवंदन किया जाता है। तो अपन सभी जन मिलकर के जिस गुरु जी के समाधि स्थल पर बैठे हैं, जिस गुरु ने हमको सद्धर्म दिया, जिस गुरु ने हमको रत्नत्रयी का मार्ग समझाया, जिस गुरु ने हमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दिया, उसकी पद्धति प्रक्रिया सिखाई समझाई और जीना किस ढंग से वह जिन्होंने सिखलाया, गृहस्थ को कैसा जीवन जीना है, परमात्मा ने एक गृहस्थ को किस तरीके का जीवन जीने की शिक्षा दी है और साधु या साध्वी को किस तरीके का जीवन जीना है वो पद्धति सिखलाई है, ऐसे परम गुरु अनंत उपकारी गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज है, यानी जिनका पहला नाम श्री आत्माराम जी महाराज साहब जी था। अपन सभी जन मिलकर के गुरु जी महाराज साहेब जी के 127 वर्ष पूर्ण हो चुके, काल धर्म पाए 128 में,
वर्ष का प्रारंभ और वह प्रारंभ अपन गुरु जी को वंदन करके ही प्रारंभ करेंगे। इस तरीके से सभी जन हम मुनियों के साथ में आप सभी जन जुड़े 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 गुरु भक्ति से गुरु के प्रति बहुमान गुरु के प्रति विनय भाव बतलाते हुए अपन गुरु जी को वंदन करेंगे। इच्छा अज्ञान तिमिरांधा ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै सभी गुरुदेव की नाम लिखनी है। आज
उस किताब का विमोचन भी होगा। मैं निवेदन करूंगा इन लेखक महोदय से, वो अपनी इस रचना के बारे में हमको अवगत कराएं। इसी बीच जो हमारे मुख्य मेहमान को बधा रहे हैं, वो भी तशरीफ रख रहे हैं, आदरणीय सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो जहाँ जगह मिलती है बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल। मैं खुशामदीद कहता हूँ इंडिया से आए हमारे मेहमान, पाकिस्तान से आए हमारे मेहमान जनाब एसीओ साहब, इन गोंदल साहब तशरीफ लाए इस मौके पर। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ, और थोड़ा सा आपको अपना तारुफ करवा देता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर जुहेब अहमद है। मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, और सियालकोट में एक साल यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में शोभा इस्लामियात का मैं हेड था। तो यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, गुजरांवाला का तो कहा जाता है कि इसकी चाय में चीनी ना डालें तो इसके बनाने वालों के हाथों से मिठास आ जाती है। मैं तो रहा हूँ और मैंने इनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया है, और आप लोग उठा रहे हैं। और जैसे रात हम बैठे थे बात कर रहे थे, तो सब लोगों का यही कहना था कि हम कहीं दूर नहीं गए, हम अपने घर आ गए, हमारे दिल मिले हुए हैं। चाहे वो हम कोई हिंदू हैं, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई जैन है, हमारे दिल आपस में मिले हुए हैं। तो आज से तकरीबन एक साल पहले मैंने जब खोज बीन की तो देखा कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से जैन मत पर, जैन धर्म या जैन दर्शन के ऊपर कोई किताब या पुस्तक जो है वो तफसीली नहीं लिखी। जो लिखा गया उसमें गलतियाँ भी थी, थोड़ा बहुत लिखा गया था, जबकि इनके मंदिर, इनका आर्ट, इनका आर्किटेक्चर यहाँ मौजूद है। तो उसी दौरान मेरा रास्ता हो गया अश्वनी साहब से। इंडिया में कुछ और दोस्त हैं, ज्ञानचंद जैन हैं, सुलेख चंद जैन हैं, उनसे रास्ता हुआ, फिर इनके ज़रिए जैन धर्म के जो गुरु हैं आत्मा राम जी की जो पीढ़ी से हैं, उस लड़ी में से हैं, इनसे रब्ता हो गया। तो इस दौरान फिर मैंने ये जैन धर्म पर, जैन मत पर पाकिस्तान की जो तारीख है 75 साल, उसमें पहली किताब मेरे इलम के मुताबिक वो पहली किताब मैंने लिखी। तो ये जैन मत का तारुफ है जैनियों की जुबान, कि जैन जो हैं वो अपने मजहब के मुताबिक क्या कहते हैं। उसमें एक चीज़ जो मेरे लिए बायस हैरत भी थी और बायस मुसर्रत और खुशी का बायस थी, वो ये थी कि हमने 1000 साल तारीख इकट्ठी गुजारी है, मोहम्मद बिन कासिम के दौर से लेकर ये पार्टीशन तक तकरीबन 1000 साल हम लोगों ने, 1000 साल से ज़ायद अरसा हमने यहाँ गुजारा। 1000 साल तो हुकूमत की मुसलमानों ने ही है। जैनियों में और मुसलमानों में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, ये हैरत अंगेज बात है, छोटी सी किसी लड़ाई का भी सुराग नहीं मिलता। सियालकोट के मुतालिक तो खास तौर पर कहा जाता है, लिखे हुए कुछ जैनियों की किताबों में मिलता है, कुछ हमारे लोगों का मिलता है, कि यहाँ की आबादी का मेल जोल इस कदर अच्छा था कि जब पार्टीशन हुई तो
यहाँ के मुसलमानों ने जिनियों से ये कहा कि आप नहीं जाएं, आप यहाँ रहें। वक्त गुजरा, चंद घराने चले गए, कुछ बहुत से घराने सियालकोट में खास तौर पर मौजूद थे, लेकिन फिर जब हमले शिद्दत इख्तियार कर गए तो यहाँ के मुसलमानों को पता चल गया कि अब ये नुकसान होगा, तो फिर उन्होंने खुद जाकर कहा और जेनी इधर गए। तो इससे पहले पता चलता है कि जेनियों का कोई त्यौहार अगर इधर होता था तो मुसलमान जो कसाब थे, जो बुचर्स थे, वो अपनी दुकानें बंद कर देते, उस दिन वो ज़िबा नहीं किया करते। वैसे भी इन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं थी। आत्माराम जी यहीं आए, यहाँ रहे, यहाँ उनकी समाधि बनी। इन पर भी एक किताब, बल्कि दो किताबें मेरी नज़रों से गुजरी हैं जो उर्दू में लिखी गई, आत्म चरित्र के नाम से एक बड़ी किताब है, उसमें भी चंद वाक़यात हैं। तो उसमें एक वाक़या है कि एक दफ़ा एक मुसलमान औरत थी, वो अपने बच्चे को साथ लेकर यहाँ कहीं वो कपड़े धो रही थी, तो वो भी नदी या नहर थी इसी इलाके में, जिसमें उसका बच्चा गिर गया। माँ थी, दिल भर आया, छलांग लगाई बच्चे को बचाने के लिए, तो खुद भी तैरना नहीं आता था। तो उस वक़्त ये आत्मा राम यहाँ मौजूद थे, उस जगह मौजूद थे। माँ भी डूब रही है, बच्चा भी डूब रहा है, तो उन्होंने उन दोनों को बचाया। अमूमन मैं कहता हूँ कि जैन धर्म वाले अदम तशद्दुद की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, तो इनको बुजदिल समझ लिया जाता है। ये बुजदिली और चीज़ है। तो आत्मा राम जी ने छलांग लगाई है, वो बुजदिली नहीं थी। तो उन्होंने नहीं देखा कि धर्म क्या है। इसी तरह जब मुसलमान होते थे, उनकी मोहब्बत इन लोगों से इतनी थी कि वो ऊपर चला जाएगा। इसको भाई ज़्यादा तेज कर दो, मेरी कम है इसकी बढ़ा दो। वैसे तो हमारे जो उलमा होते हैं उनकी आवाज़ इतनी होती है, तो बस की आखिरी सीट से आवाज़ दें तो वो ड्राइवर के पार चली जाती है। मेरी पता नहीं क्यों कम हो गई आपकी। तो मुसलमानों का इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, और मैं ये समझता हूँ कि जैन कम्युनिटी जो है वो एक दरमियानी रास्ता है, एक राह है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का, वो चाहे पुलिस फोर्स थी, रिलेट थी, स्पेशल पुलिस थी, आर्मी थी, सबको सलाम, सब ने बहुत अच्छा इनसे ताल्लुक किया। और मैं ये चाहता हूँ, मैंने देखा है हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये ताल्लुकात बढ़े। खुर्रम साहब बैठे हैं, इनको पता चला बाई चांस कि ये इंडिया से मेहमान आए हैं, रात 12 बजे भी मैं इन्हें यहाँ छोड़ के गया हूँ, सुबह 7 बजे के भी ये यहाँ बैठे हैं। भाई ये हमारी मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? ये गुजरांवाला की मिट्टी का प्यार है ना, ये गुजरांवाला की मिट्टी का प्यार है, तो ये बढ़ता रहे। इसी के साथ मैं मज़ीद वक्त नहीं लूँगा, मुझे इजाज़त दें, तो किताब मेरी है, ये इंटरनेट पर भी जल्दी आ जाएगी, यहाँ भी अवेलेबल है। तो नहायत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया। ये भाई इन्होंने भी अपना प्यार गुजरांवाला से ख़ास तौर पर जताया है कि गुजरांवाला की मिट्टी तक पहुँचने के लिए हम पैदल आएंगे। जिस प्रकार इन्होंने फरमाया आजादी के 75 साल तक जिन शास्त्र के ऊपर, जिन दर्शन के ऊपर कोई भी लिखित जो है किताब नहीं लिखी गई, और जिस तरह लेखक महोदय ने 75 साल की मेहनत करते हुए इस किताब में पूरे जिन शास्त्र को लिखा है, उसी प्रकार आज 75 वर्षों के बाद इस पावन धरा पर कोई ना कोई जैन संत जो आए हैं, वो हमारे अकेले संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमद आत्म बल्लभ सुमुंद्र इंद्र रत्नाकर बगिया के मालिक, वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर सरस्वती मंदिर उपासक
परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज आए, जिन्होंने अथक प्रयास किया इस भूमि पर आने के लिए। प्रयास करते हुए आज वो 75 साल के इंतजार के बाद यहाँ पे पधारे हैं, माध्यम बने हमारे जैन हेरिटेज फाउंडेशन, जिसके हमारे प्रमुख भाई अश्विनी जी, भाई ऋषान जी, भाई पंकज जी, भाई करण जी, ये एक माध्यम बने। इनको जब मैं इनसे मिला कुछ समय पूर्व, ये भी कहने लगे मैं 30 साल से हेरिटेज, जो कि हेरिटेज हम कहते हैं जो हमारी पुरानी धरोहर है, चाहे वो वर्तमान में पाकिस्तान में है या पाकिस्तान की धरोहर जो वर्तमान में हिंदुस्तान में है, उन धरोहरों पर ये आज ये संस्था हमारे भाई अश्विनी जी के नेतृत्व में ये जो संस्था काम कर रही है, जिसमें अकेले भारत के नहीं, अकेले हिंदुस्तान के नहीं, अकेले पाकिस्तान के नहीं, संपूर्ण विश्व के जो नुमाइंदे जो है इस संस्था में कार्यरत हैं, मैं इनका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा जिनके संयोजन में ये यात्रा का जो सफल आयोजन आज होने जा रहा है। तो पूज्य गुरुदेव यहाँ पे पधारे, तह दिल से मिट्टी की गहराइयों से हम उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत। जी मेरी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो जो मेहमान हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान में आपको। आज वैसे मैं अपना बैकग्राउंड बता दूँ, मैं ओरिजिनली सॉलिसिटर हूँ यूके से, मैंने पढ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से, पाकिस्तान में लॉ मेरा बैकग्राउंड है। पाकिस्तान में जब मैं आया तो पैदा यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ स्कूल शुरू किया था, आई वॉज द फर्स्ट फैकल्टी मेम्बर, और उसमें हमने पहला जो ट्राई किया था कि इस्लामिक स्टडी के साथ साथ हमने एक सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड रिलीजन के नाम से इंट्रोड्यूस कराया था, और उसमें हमने जेनिज्म को एज अ सेपरेट जेल पढ़ाना शुरू किया था। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं आ सके, हमारे एक कुलीग हैं डॉक्टर अर्शद कयूम साहब, वो उनको हिंदुज़म जेनिज्म और बाकी मैं जो बड़ा वो है, तो आई टोल्ड देम कि हाँ जी जो वर्ल्ड रिलीजन का सब्जेक्ट होगा वी विल नॉट बी टीचिंग इस्लाम इन दैट, क्योंकि इस्लामिक स्टडी का एक सब्जेक्ट है। तो वहाँ से ही फिर एक पढ़ने पढ़ाने का मेरा एक शौक है, लॉ के अलावा रिलीजन्स का भी। हमारे एक दोस्त हैं अरविंद इंडिया से, उनके ज़रिए से उनकी तवसत से ईश्वरी साहब के साथ बात हुई, और पिछले कुछ 3 साल से हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे हम बात या नाम भी करें तो 3-4 दिन बात करते हैं, और बड़ी ख्वाहिश है अश्विनी साहब की कि हमारे इस तरह से तलुकात रहें, और ख़ास तौर पर जो जैन कम्युनिटी है वो टूरिज्म के लिए पाकिस्तान में आ सके, जो कि उनका रिलीजियस टूरिज्म है। तो फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड मैंने कहा कि अगर जहाँ कहीं से हमें सपोर्ट की जरूरत हुई, और रिसेंटली सर ने मुझे कहा था कि आप एक प्रपोजल बनाए, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करें कि इस टूरिज्म के लिए वीज़ा और ये सारा प्रोसेस करें, तो मतलब मैं अपने बैकग्राउंड से जो मैं कर सकता हूँ वो हमारी तरफ से, जहाँ से अगर कोई सोसाइटी बनानी पड़ती है, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल एंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है, तो पाकिस्तान से इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा, और हम आपके साथ हैं। हम जैनिज्म को जितना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इट इज़ अ वंडरफुल रिलीजन, और ख़ास तौर पर इसकी जो सादगी है, इसकी जो कनाहत है, जो हम्बल एक एटीट्यूड है, ये बहुत अट्रैक्टिव है। और जिस वक्त हम इस्लाम में भी जो सूफिया की बात करते हैं, अभी मैं मेरा स्टूडेंट है मेरे साथ बैठा हुआ ज़्यादा, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा कि ये हमारे महाराज जो है पैदल आए, तो मैंने कहा जो हमारे सूफिया थे उनकी भी इसी तरीके से सादा ज़िंदगी थी, जब तक आप सादगी इख्तियार नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अल्लाह की गुरबत हासिल नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और हम ये चाहेंगे कि हम बार बार आपको देखें, और आपकी जो सारा यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हम सब की मिलकर प्रॉपर्टी है। मैं बैकग्राउंड मेरा हरिपुर से है, हरिपुर के साथ टेक्सला में आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटी थी,
तो मेरा जो ननिहाल है वो नीचे रहते हैं गांव में, तो हम जो है छोटे से ही हम उस वहाँ पर हमारा आना जाना होता था, और वहीं से मुझे एक शौक पैदा हुआ कि किस तरह से ये रिलीजियस थी। और जितना जितना पढ़ रहा हूँ आप यकीन करें कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि हमें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज कर दिया गया पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जितना रिच कल्चर सब कॉन्टिनेंट का है इतना मैंने नहीं कर पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर मुलाकात। बहुत शुक्रिया। मैं ये बात कहना फिर से अपनी शुरू करूँगा और ये जरूरत कर रहा हूँ मैं आपके सामने बात करने की कि हम यहाँ पर एनिमल सेफ मूवमेंट पाकिस्तान गुज़िश्ता 25 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा काम ना सिर्फ मुल्तान में है बल्कि बहावलपुर, द्रावण, लाहौर, कराची और दूसरे दिगर शहरों में भी हम एनिमल सेफ मूवमेंट के प्लेटफार्म से हम जीप दिया का काम कर रहे हैं। जितने भी कोई जानवर पक्षी वो अगर इंजर्ड हो जाते हैं उनकी रेस्क्यू करते हैं, उनका इलाज मुआवजा करते हैं। इसके अलावा हमारे एनिमल सेफ मूवमेंट के जितने भी लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं। सबसे बड़ी बात है हमने उनके वेजिटेरियन पे कन्वर्ट कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है कि वो के गोश्त को वो छोड़ चुके हैं बिल्कुल, गोश्त को बिल्कुल नहीं खाते। वो समझते हैं कि गोश्त को खाना इसी तरीके से है जिस तरह आप कोई बहुत बड़ा आप मैं समझता हूँ कि गलत काम कर रहे हैं। जो जान हम में है वही जान एक दूसरे जानवरों में भी है, वही जो जीव जंतु कोई भी हो वो चिमटी से लेकर इंसान तक उसमें जीव जंतु है और हर जीव जंतु की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी डिग्निटी करनी चाहिए, उसे लव करना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए। यही हमारा आदर्श है। हम यही इस तरीके से लॉर्ड महावीर ने कहा था कि लिव एंड लेट लिव, हम इसी फलसफे पर हम काम कर रहे हैं। हम सब वेजिटेरियन हैं और हम समझते हैं कि भले से हम जैन मत में जैन फिलासफी में या जैन घराने में पैदा नहीं हुए लेकिन हमारा कर्तव्य है जो हम काम कर रहे हैं वो ज़रूर जैन मत की तरह है। हम ये हमारा काम हम चाहते हैं कि साथ सब लोग जैन मत को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान करें क्योंकि यही वो एक निज़ाम है, एक वो एक फिलासफी है कि आप जिसके हवाले से आप लोगों में प्यार बाँट सकते हैं, मोहब्बत बाँट सकते हैं। ये कभी भी इसने हिंसा का काम नहीं किया, ये हमेशा प्यार मोहब्बत का काम करती है। इसलिए हम सबसे चाहते हैं कि आप लोग जैन मत को ज़्यादा से ज़्यादा समझें क्योंकि यही वो रास्ता है कि आप जिससे इंसानों से, जानवरों से, परिंदों से, कीड़े मकोड़ों